कृष्ण और कृष्णा यानी कि द्रौपदी। सांवले रंग के कारण इन दोनों के नाम तो एक जैसे थे ही, लेकिन इन दोनों की मित्रता की कथाएं भी आपने खूब सुनी होंगी। आप जानते ही होंगे कि द्रौपदी और श्री कृष्ण एक दूसरे को सखी और सखा कहकर बुलाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो सदैव संकट के समय द्रौपदी की मदद करके मित्रता का फर्ज भी निभाया। मगर क्या आप ये जानते हैं कि ये मित्रता द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान विवाह में बदलने वाली थी? जी हाँ, होने वाला था कृष्ण और द्रौपदी का विवाह। फिर क्यों ये विवाह होते होते रुक गया? चलिए अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताते हैं, आपको सुनाते हैं द्रौपदी कृष्ण के विवाह की कथा। ये कथा द्रौपदी के स्वयंवर के दौरान की है। वो स्वयंवर जिसे अत्यंत रमणीक बनाया गया, सुंदर सुंदर मांगलिक तोरण लगाए गए, कलश से सजावट की गई, राजाओं के बैठने के लिए बेहद आलिशान आसन, ब्राह्मणों के लिए सुंदर मंच व दर्शकों के लिए अलग स्थान बनाए गए। वहीं इस स्वयंवर में पांचाली को जीतने दूर दूर से राजा पधारे। दुर्योधन अपने भाइयों व कर्ण के साथ आया तो श्री कृष्ण बलदाऊ के साथ पहुंचे। आसपास के ऋषि मुनि ब्राह्मण सभी उस स्वयंवर को देखने आए, क्योंकि उस समय पांच पांडव अपनी मां कुंती के साथ वनवास भोग रहे थे, लिहाजा वो ब्राह्मण वेश में थे। इसी के चलते ही पांचों पांडव उस स्वयंवर में वहां जाकर बैठे जहां ब्राह्मण विराजमान थे। थोड़े ही समय बाद राजकन्या द्रौपदी अपनी सखियों संग अपने स्थान पर आकर बैठ गई। इसके बाद सभा में राजा द्रुपद की प्रतिज्ञा सभी उपस्थित राजाओं को संबोधित करके सुनाई गई। उन्हें बताया गया कि जो भी तेल में देखकर मछली की आंख को भेद देगा वही द्रौपदी का वर बनेगा। राज पुरोहित ने राजकुमारों को एक एक करके मच्छेदन करने का आह्वान किया। सब राजकुमार आए और तेल में देख मच्छेदन करने की चेष्टा की, परंतु किसी से भी ये कार्य पूर्ण ना हो सका और सभी राजा थक कर बैठ गए। ये देखकर द्रुपद को दुख हुआ। तब द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने निवेदन भरी नजरों से श्री कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण समझ गए कि द्रुपद चाहते हैं कि वो मच्छेदन कर द्रौपदी से विवाह करें, परंतु भरी सभा में कृष्ण ने द्रौपदी संग विवाह के राजा द्रुपद के इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, मेरी तो पहले ही बहुत सी रानियां हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा। जी हाँ, कृष्ण अगर उस वक्त राजा द्रुपद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो कृष्ण और द्रौपदी का विवाह होता, कृष्ण द्रौपदी के पति बनते। मगर लीलाधर ने तो पहले ही अर्जुन के मच्छेदन की लीला रची हुई थी, वरना कृष्ण के लिए तो ये क्षण भर का काम था। आप खुद ही सोचिए, कृष्ण का स्वयंवर का हिस्सा बनने से इनकार करना, इसके बाद कर्ण का मच्छेदन के लिए आना और द्रौपदी का कर्ण को सूत पुत्र कहकर वापस भेज देना, ये सब प्रभु की लीला नहीं तो और क्या है? वरना कर्ण के लिए भी ये बेहद सरल कार्य था। कर्ण और कृष्ण के बाद राजाओं के बीच ऐसा कोई नहीं बचा था जिसने मच्छेदन का प्रयास न किया हो। हार कर द्रुपद ने ब्राह्मणों की ओर देखा और कृष्ण ने ब्राह्मणों के बीच बैठे अर्जुन को आगे आने का इशारा किया। अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा पाकर मच्छेदन कर द्रुपद की प्रतिज्ञा पूरी की और द्रौपदी संग विवाह किया। जी हाँ, इस तरह कृष्ण ने स्वयं को पीछे हटाकर अर्जुन और द्रौपदी का विवाह करवाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी दिलचस्प कथा के साथ। जाते जाते हर बार की तरह कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।